राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आप पहले खता करने आए थे तो मैंने आपको गाड़ी में जो ड्राइंग दी थी याद है आपको? हाँ। गुरु जी मैं गीता की एक गीता का एक शास्त्र श्लोक लेके आई हूँ। नैनम हिंस नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम धाते पावक न चैनम क्लद नितापो न शोषति मार्दुः। आत्मा को न शास्त्र कर सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। वाह सुंदर। गुरु जी बोलो बोलो। गुरु जी बच्चों को पूजा कैसे करनी चाहिए? आपके माता पिता को देखना, वो जैसे करते हैं वैसे ही आपको करनी चाहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मेरा आपसे प्रश्न है कि जब ये भी मैं कृष्ण जी को देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ तो अच्छा है ना बेटा, आज ही हमने कथा में कहा कि भगवान के लिए तो रोना ही चाहिए, उनकी याद में उनके लिए। अच्छा है, सबको दे दो बेटा माइक। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हमें भी ऐसा आशीर्वाद दोगी हम भी भागवत करा सके। बिल्कुल, सदा सुखी रहिए, खुश रहिए। इस तरफ ले जाना बेटा। प्रणाम गुरु जी। हाँ मैया। गुरु जी मेरे घर में शांति नहीं रहती, मैं खूब गोविंद की पूजा करती हूँ, मंदिर बना रखा है घर में, लेकिन बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। दो बाप बेटों को तो बहुत गुस्सा आता है और कोई न कोई घर में बीमार रहता है। तो बाप बेटों को लाए हैं यहाँ? वो तो नहीं आए गुरु जी। अब रोगी नहीं लाए तो हम इलाज किसका करें? कोई न कोई पढ़ाई रहता है, कभी उनको ले आना, कल दोनों बाप बेटों को यहाँ लाना, हम दोनों को समझाएंगे। बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा, दोनों को लाना, दोनों को समझाएंगे। बीमार तो कभी कोई रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते, उनको तो खाली गुस्सा आता है। तो जिनको बीमारी है उनको बोलना योग एक्सरसाइज करें, खान पान ठीक से रखें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे पोते हैं वो भी बीमार रहते हैं, मैं खुद भी बीमार रहती हूँ। मैया खाने पीने में कंट्रोल क्या खाती हो आप? मैं बेजन की रोटी, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को खाती हूँ, मेरा डायबिटीज है और दवाई चल रही है, पेट में इंसुलिन लगते हैं। तो इंसुलिन लगती है आपको? हाँ। रोज? रोज शाम को एक। अच्छा, खाने पीने में कंट्रोल करो, रात को ना खाया करो। पूरा कंट्रोल करती हूँ गुरुजी मैं। सब्जियाँ ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, वैसे ही करती हूँ। बस ये करेंगे, थोड़ा योग करिए, प्राणायाम करिए, ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे घर में शांति रहे। आशीर्वाद तो है मेरी माँ, पर कर्म तो करना पड़ेगा आपको, योग करना पड़ेगा, योग करेंगे तो मैं गोविंद के जाती हूँ, कितना भी आंधी में आ जाए मैं गोविंद के दरबार पे जाती हूँ। चलो भगवान आप घर में पूजा करती हूँ, रक्षा करें। राधे राधे गुरुजी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगा बेटा आपको? सब अच्छा लगता है मुझे। जैसे? जैसे आपकी आरती, भजन, मुझे आपके भजन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। खुश रहिए।